आसमान में कितने तारे हैं, कभी गिनने की कोशिश की है? आज गिनना शुरू करोगे तो तकरीबन 6000 साल लगेंगे सिर्फ हमारी गैलेक्सी के तारे गिनने में। और ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं? साइंटिस्ट कहते हैं शायद 2 बिलियन और। तो क्या ये संभव नहीं कि अंतरिक्ष में मंडराते इन करोड़ों तारों के बीच कहीं किसी एक प्लैनेट पे हम जैसे लोग बसते हों? जैसे हम उन्हें खोजने के लिए चांद और मार्स पे जा रहे हैं, हो सकता है वो भी हमें खोजने यहाँ आ रहे हों।
जो चोर ले गया वो स्पेसशिप को वापस बुलाने का यंत्र था। बिना इस रिमोट के वो अपने घर नहीं लौट सकता था। ना वो हमारी बोली जानता था, ना उसका कोई दोस्त था यहाँ। अकेला सहमा हुआ एक ही बात सोच रहा था, अब घर कैसे लौटूंगा। भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे नई नई राहों पे, जाना मुझे दूर कहीं कांधे पे खाई से कई सपने निगाहों में। किसको पता किस मोड़ पर कोई अजनबी मिल जाएगा, दिल को मेरे छू जाएगा, हंसाएगा रुलाएगा। सॉरी पर मैंने पहले हाथ उठाया था। माफ करिएगा पर आवाज पहले हमने लगाई थी, उसके बाद आपने। देखिए मैं हरिवंश राय बच्चन की बहुत बड़ी फैन हूँ। लेकिन हम भी अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। मैं 10 साल की थी तब से उनकी कविताएं पढ़ी हूँ, सब रटी हुई हैं। तो 5 साल के थे तब से उनके सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं, वो भी बिना रटे हुए। किसको चाहिए, कुछ फाइनल हुआ? हाँ मुझे दे दिया, इसको क्या पोएट्री समझेगी। 100 यूरोस। 40 का 100 पोएट्री को ब्लैक पे बेच रहा है? 6 घंटे लाइन में लग के लिए टिकटे, टाइम इज मनी। आप सुन लो डायलॉग्स। नहीं नहीं आप सुन लीजिए, आप लेडीज फर्स्ट। एक सेकंड, क्यों ना टिकट्स आधी आधी ले ले। आई मीन इंटरवल के पहले आप अपनी कविताएं सुन लीजिए और इंटरवल के बाद हम अमिताभ बच्चन की अदाकारी देख लेंगे, प्लीज। That's a damn good idea. 10, 20, 30, 40, 50, 6, 96. थोड़ा तो डिस्काउंट दे दे यार, एक ही कंट्री के हैं हम लोग। भारत माता की जय ब्रो। वंदे मातरम। 100 यूरोस। अंकल 4 यूरोस का लोन देंगे प्लीज। आप ये घड़ी रख लीजिए, कल पैसे लौटा के ले जाऊंगी। प्लीज अंकल, लास्ट टिकट है। बेटा हाउस फुल हो चुका है, कोई टिकट नहीं मिल रहा। नहीं अंकल, एक है वहाँ हीरो जो ब्लैक में बेच रहा है। बदमाश कहीं का, इन्हीं लोगों की वजह से देश बदनाम होता है, है ना? बेटा तुम यहीं रुको, मैं अभी दिलाता हूँ तुम्हें टिकट। थैंक यू। कौन? कौन बट मेरा टिकट कहाँ है? ओह टिकट लो 100 यूरो। यू ब्लडी चीट, धोखेबाज, मक्कार, कैपिटलिस्ट। माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज के बच्चे। चल सिक्योरिटी। अब देख मधुशाला। सिक्योरिटी। 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 चल दिए चल दिए। चल दिए आराम से। उठे तो ये देख। चल चल चल। माइंड योर लैंग्वेज। आजकल के बुढ़े, ये जेनरेशन ही को चला गए। अरे जाने दीजिए ना आप, जो बीत गई सो बात गई। ऐसे कैसे जाने दूं? वो वहां बैठ के कविताएं सुन रहा होगा और मैं यहाँ पे। अरे छोड़िए ना, जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें? आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले, थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं। अच्छा है, आगे सुनो। नहीं आगे नहीं सुनाऊंगा, आगे सुनाऊंगा तो आप हमें प्रपोज कर बैठेगी। पागल हो? अरे सच्ची
आपके पसंदीदा शायर हरिवंश राय बच्चन जी सुबह एक मोहतरमा से मिले, अपनी नज़में सुनाई और शाम को उनका निकाह हो गया। पढ़ा मैंने। Really? और क्या, तो देखिए ना, पैदा भी किसको किया, अमिताभ बच्चन। चगू। चगू? मेरा नाम पापा ने तो उसे भयंकर नाम दिया था, जगत जननी। स्कूल में सब चढ़ाते थे, तब मैंने शॉर्ट कर दिया चक्कू। मुंबई से हो? नहीं, दिल्ली। टीवी प्रोडक्शन का कोर्स कर रही हूँ। तुम? मैं सरफराज, यहाँ पे आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ इधर ही पाकिस्तान एम्बेसी में। पाकिस्तान एम्बेसी में क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, अब इंडियन एम्बेसी में तो काम नहीं मिलेगा ना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। पाकिस्तान से हो इसलिए हंसी फिर हो गई। चलिए खुदा हाफिज। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, चार कदम चल दो ना साथ मेरे। तुमको जो धूप सताए छांव बिछा देंगे हम, अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम, छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम, हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे चार कदम। तुम सा मिले जो कोई रहे गुजर, दुनिया से कौन डरे, चार कदम क्या सारी उम्र चल दूंगी साथ तेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, चार कदम Oh, yeah.
थैंक यू मम्मी पापा शी इज फॉलन इन लव फॉलन इन लव ही इज सो क्यूट और फोटो दिखा मुंडा करदा की है जॉइंट फैमिली तक नहीं है तुसी शांत हो जाओ मैं सब बताती हूँ तू पहला ना दस सरफराज मुसलमान है हाँ जी पापा आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं फैमिली पाकिस्तान में पाकिस्तान केड़ा पाकिस्तान माँ एक ही तो पाकिस्तान है भाई तू बुरका पाएंगी नमाज पढ़ेंगी जगू तेरी मत से नहीं मारी गई जगू तो डिस्कनेक्ट मत करना हिलना मत वहीं रहना घर निकाल जल्दी सर्वनाश हो गया भगवान मदद कीजिए पापा कहाँ जा रहे थे जानती थी मैं बचपन से हमने अपने माँ बाप की शक्ल से ज्यादा तपस्वी जी की शक्ल देखी थी बाय मॉम स्कूल के बस्तों से लेकर हमारे बाथरूम की दीवारों तक तपस्वी जी हर जगह मौजूद थे उनसे मुहूर्त निकलवाए बिना वो अपना रूट कनाल तक नहीं करवाते थे पापा को तपस्वी जी ने एक गॉड बॉक्स दिया था जिसमें हर कार्य के अनुरूप भगवान मौजूद थे पापा शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे होते तो लक्ष्मी जी को स्क्रीन दिखा देते थे ट्रेडमिल पे होते तो हनुमान जी निकाल लिए जाते थे इंटरनेट आरती ऑनलाइन दर्शन कुरियर से प्रसाद ये सब तपस्वी जी के दिमाग की पैदाइश थी चरण स्पर्श कर क्यों जगत जननी क्यों आत्महत्या करना चाहती हो एक कागज उठाओ कलम उठाओ और लिखो प्रभु पथ प्रदर्शित करें जी जो आ गया प्रभु भविष्यवाणी लिखो जगत जननी ये पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम सरफराज है धोखा देगा सरफराज धोखा नहीं देगा इतिहास साक्षी है बेटा इन लोगों ने छल कपट और धोखे के सिवा किया क्या है ये तुम्हारे तन का उपयोग करेगा भोग विलास करेगा लेकिन विवाह नहीं करेगा लापता हो जाएगा ये जगू तू अभी वापस आ अगर एक रात और वहां बिताए तो समझ ले कि हमारा रिश्ता खत्म साहनी साहब बच्ची से मैं बात करता हूं बेटा डिलीट बटन दबाओ और इसे अपने सिस्टम से निकालो हेलो क्या हुआ डू यू लव मी ऑफ कोर्स आई डू क्यों शादी करोगे मुझसे हेलो पर हुआ क्या हाँ ना सरफराज हाँ पर कल 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 हम शादी करेंगे तपस्वी जी की भविष्यवाणी गलत है I'll prove it Mr. James Herrick and Miss Oprah Brown, you're next. James isn't here yet. Oh, talk to the registrar. Could you just hold this, please? Of course. Hello. This is for you. For me? Yeah. Thank you. सरफराज की चिट्ठी थी लिखा था शादी दो लोगों की नहीं दो परिवारों की होती है हमारे देश लोग धर्म सब अलग है अपनों को दुखी करके हम खुश कैसे रह पाएंगे मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना सॉरी Where to go, young lady? New Delhi. मैं अपने शहर तो लौट आई पर पापा ने घर में जगह नहीं दी
मैंने एक न्यूज चैनल ज्वाइन कर लिया. बॉस किसी डिप्रेस कुत्ते को पकड़ के लाया. ब्रेकिंग न्यूज करनी है. कभी न्यूज मिलती थी, कभी बनानी पड़ती थी. लापता, मिसिंग, मिले तो संपर्क करें पीके. इस आदमी की स्टोरी है. तू ऑफिस जा, मैं बाद में आती हूँ. जल्दी आइयो. एक्सक्यूज मी, आप ये पर्चे क्यों बांट रहे हैं? हमारा एक तो केस पेंडिंग है इनके पास, ना साल्व कर रहे हैं ना मिल रहे हैं. लुल हो गई हमारी लाइफ. पता नहीं कौन है कोना में जाके बैठ गए. आप कहीं देखे क्या इनका? नहीं. हाँ वैसे तुमने ये हेलमेट क्यों पहना हुआ है? एक चीज से सीखा है, इल्लो कलर दूर से फोकस मारता है. इतना ट्रैफिक में भी टैक्सी सब दूर से नजर आ जाता है. तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना? नहीं तो इतना क्राउड में हम पर फोकस कैसे पड़ेगा? कहा जाता है कि जानवर सुसाइड नहीं करते. ये निक्कू है, दिल्ली के रमेश नगर के स्वीटी सिंह का कुत्ता. इसने पिछले महीने 3 सुसाइड अटेम्प्ट किए. छत से कूदने की कोशिश, स्लीपिंग टैबलेट्स चाट जाना और गैस बर्नर पर छलांग लगाना. क्यों किया निक्कू ने ऐसा? क्या निक्कू किसी मानसिक रोग का शिकार है? क्या निक्कू? अरे क्या हुआ जगू? What is this shit, ya Meetu? मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट रतन अतारीवाला के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद. Doing well, रतन? कॉफी पिएगा? हाँ? अरे साहब को एक कॉफी मिला दो. चेरी? Oh no. आपको क्या लगता है? इसको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, सिर्फ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. जो भी है, why would I care? Exactly. Why would anyone care? तो फिर क्यों हम अपने चैनल पे ऐसी स्टूपिड खबरें दिखा रहे हैं? वैसे तुम क्या दिखाना चाहती हो? इधर आना, इसको पकड़ने एक मिनट. ये देखिए, मैं आज एक आदमी से मिली जो सड़कों पे पैम्फलेट्स बांट रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है. मिले? नहीं, पर भगवान को खोजना that's religion. भगवान का मिल जाना that's news. अगर उसे भगवान मिल जाए ना तो मेरे पास लेके आना. I'll put him on air. But you know the company policy. No news on religion and no news on God. Finished. क्या हो गया आपको? कहाँ गया वो फाइटर चेरी बाजवा? You want to see the fighter? दिखाओ. ये देखो. यहाँ पे 3 marks हैं. दिखाओ. ये birth marks नहीं है. तुम्हारे डार्लिंग डैडी के फ्रेंड वो तपस्वी है ना, उनके खिलाफ मैंने एक न्यूज आइटम रन की थी. उनके भक्तों ने आके त्रिशूल घुसा दिया यहाँ पे. यह राइट इन माय बम. उस दिन से मैंने तय किया है कि अगर इस देश में रहना है तो रिलीजन से मत उलझो. दैट्स इट. आई गॉट अ शो टू रन नाउ. बाय बाय. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हम बात कर रहे थे मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट रतन अतारीवाला के साथ. बॉस ने मौका ही नहीं दिया उस स्टोरी को फॉलो करने का, लेकिन 2 हफ्ते बाद वो स्टोरी वापस मेरी लाइफ में आई.
पहचान पत्र से पैसा चुरा रहा है। पकड़ो उसे, हटिए। भगवान की जेब में हाथ डाल रहा है मूर्ख। हाँ पंडित जी, ये चोर नहीं है। मैं दान पात्र में पैसे डाल रही थी और मेरा पर्स अंदर गिर गया। ये तो उसे निकालने में मेरी मदद कर रहे थे। सच कह रही हूँ मैं, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। पर्स में करीब 5,000 रुपए, देख लीजिए। पंडित जी वो मेरे हैं। थे, एक बार भगवान को अर्पण कर दिए तो कर दी, पर अब उनके हुए। चलो जाने दो इनको। तुम कर क्या रहे थे वहाँ? रिफंड ले रहा था अपना, पेमेंट वाला ले लिया और काम नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैंने देखा कि पहले तुमने वहाँ से कुछ पैसे निकाले, फिर कुछ पैसे वापस डाल दिए। ई वाला दफ्तर वाला बस 200 डिपॉजिट भरा था, उतना ही लिया, बाकी रिटर्न डाल दी। तुम बहुत सारे तावीज माला वगैरह पहनते थे ना? रिजेक्ट कर दिया, अब नहीं पहनेगा। फिर स्टिकर्स क्यों लगाए? सेल्फ डिफेंस। जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाते हैं ना, ताकि कौनो मूटे नहीं, हम यहाँ लगाता ताकि कौनो पीटे नहीं। मीतू कहाँ है तू? यार तो प्लीज पिक में, अपना घर जाने के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं तुझे बाद में बताती हूँ। सुन मैं तेरे पास ही हूँ, मुद्रिका में, वो जो बड़ा वाला मंदिर है ना उसके सामने, जल्दी आ जा। थैंक्स, बाय। ये लीजिए, रख लीजिए। क्या ये? टैक्सी के लिए, घर जाए खातिर। जब कौनो अपने घर नहीं जा पाता ना, हमको अच्छा फीलिंग नहीं होता। सुनिए, और नहीं हमारे पास, बस इतना ही था। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। काहे? आपको भी घर जाना होगा ना, और आपके पास पैसे नहीं है। पैसे से हम घर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों, कहाँ रहते हो? शेर तो हम उगर से इनकी बावड़ी में रहता हूँ, बाकी आजकल बहुत रेन बरसता है ना, लॉकअप में चेकिंग कर लेता। लॉकअप? एज इन पुलिस लॉकअप? हाँ, यहाँ दिल्ली में 122 है ना, रोटेशन वहाँ घूमता रहता हूँ। और वो तुम्हें चेकिंग करने देते हैं होटल जैसे? आइए हम समझाता हूँ, आइए। ए ठुल्ले, ये देखा। अब मैं देखूं, मैं अभी जल्दी मीतू, ये ले। एक्सक्यूज मी। जी बोलो। वो अंदर जाना है लॉकअप में। क्यों? उस आदमी से मिलना है। मैडम ये आपको कॉलेज की कैंटीन दिखाई देती है कि अंदर गए, चाय शाय पी, दोस्तों के साथ गुफ्तगू की और निकल गए? ये लॉकअप है, लॉकअप।
और ये वही आदमी अंदर जा सकता है जिसने कुछ जुर्म किया हो, समझी? मैडम रिश्वत देना मना है। मना है इसलिए तो दे रही हूँ। अंदर कर सकता हूँ? करिए ना प्लीज। थैंक यू पाली जी। एक घंटा बस। हाय, तुम्हारी स्टोरी जानना चाहती हूँ, बताओगे? काहे? मैं टीवी रिपोर्टर हूँ, ये काम है मेरा। पूछो, जॉन कुछ पूछे चाह तो। तो नाम क्या है तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने का है सब पीके पीके बुलावत है। करते क्या हो? एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट यानी वो जो मून मून पे जाते हैं? एक बार गया हूँ मून पे, बहुत ही लुल पे ले सर। अच्छा ओके, तो तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? हमारा अपन प्लैनेट। नहीं नहीं, और तो अच्छा है ही उसके अलावा। अरे अर्थ की तो लुल्ली बजी हुई है, हम बोला हमारा अपन प्लैनेट। जब रात हुई तब वहां ऊपर दिखेगा हमारा घर। बवाल मच गया वहां उस दिन, जब पता चला एक तो और गोला है जहाँ हमरे जैसा लोग रहता है। हमको भेजा यहाँ रिसर्च करने, लेकिन आते ही कार वेलकम हुआ। हमारा रिमोट कंट्रोल वही छिन लिया ससुर। रिमोट के बिना हम घर सिग्नल नहीं भेज सकता, और सिग्नल नहीं भेजेगा तो कौन आएगा नहीं हमका लेने? वो समझेगा सब कि ये डेंजर गोला है, हम मर मुरा गया यहाँ। हेलो, सुनिए। क्या? ये दरवाजा खोलिए, मुझे घर जाना है। ओ मैडम, कौन कब घर जाएगा ना, ये बाहर वाले डिसाइड करते हैं, अंदर वाले नहीं। अरे मैं चोर नहीं हूँ। सब चोर यही बोलते हैं। पांडे जी कहाँ? पांडे जी को बुलाइए। पांडे जी राउंड अप पे गए हैं। पांडे जी, पांडे जी। ए छोरी चुप कर जा, नहीं तो गिर रहे। आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। और नहीं तो क्या, तुम्हारे प्लैनेट की राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है। अरे हमरे गोले पे तो कोनो भाषा ही नहीं है, माइंड से पचियाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं। यहाँ तो बोलते कुछ हैं पर मतबल कुछ और निकलता है, एक एक शब्द के चार चार मतबल। ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है, मतबल सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साख में है, तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साख। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लॉर्ड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा अच्छा। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। बहुत है कंफ्यूजन है, पूरा 6 घंटा लगा हमको भोजपुरी सीखने में। मतलब 6 घंटे में तुम पूरी भोजपुरी सीख गए? अरे कौनो हाथ पकड़ने नहीं देता था। फिर एक लेडीज मिली, कॉपरेट किया हमारे साथ, उनका हाथ पकड़ के हम उनकी पूरी भाषा अपने अंदर ट्रांसफर मान लिया। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है? तुम्हारा हाथ क्या कोई यूएसबी केबल है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स ट्रांसफर कर लेगा? हाँ, और तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे प्लैनेट पे भी लोग फेटेड जीन्स पहनते हैं? नहीं 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 नहीं, हमरे गोले पे तो कौनो कपड़ा पहनता ही नहीं है। जब हम यहाँ आया तो शुरू शुरू में हमका फीलिंग हुआ कि हमरे लोगन की चमड़ी यहाँ के लोगन की चमड़ी से फर्क है। कौनो की चमड़ी चमकीली शाइनिंग शाइनिंग, और कौनो की चमड़ी फुल ब्लैक काली काली, कौनो की चमड़ी रंगीली तो कौनो की सफेद, कौनो की चमड़ी चिपकी हुई और कौनो की चमड़ी ढीली ढाली।
फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। उ दिन हमरी समझ में आया कि ई गोला के लोगन की चमड़ी बिल्कुल हमरे जैसी है। सिर्फ वो अपने बॉडी के ऊपर फैशन नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। अब हवाओं तुम्हारे गोला के लोगन के साथ मिलजुल सकता था, लेकिन पता नहीं काहे सब लोग हमरे ऊपर हंस रहा था। थोड़ा टेम लगा समझे माँ कि आदमी का फैशन अलग और लेडीज का फैशन अलग, दिन का फैशन अलग रात का फैशन अलग, खेले का फैशन अलग खिलावे का फैशन अलग। कपड़ा लगता के साथ हमरे हाथ लगा कुछ फोटो। हमका धीरे धीरे समझ में आया कि ये फोटो बहुत जरूरी है ये गोला पर सरवाइव करे के लिए। ये फोटो दे के खाए के लिए रोटी मिल जाता था, सो हम ये बूढ़ा आदमी का फोटो जमा करना शुरू कर दिया। क्या है भाई? अरे यार मैंने क्यों दे रिया हो? ए भाई कबाड़ हमारी दुकान पर कांटे ले रहा है। हाँ या दियो एले गाजर। फीलिंग आया कि फोटो का वैल्यू सिर्फ एक किस्म का कागज पर है, दूसरा कागज पर ये फोटो का वैल्यू 0/0। अब पैसों और कपड़ों का बंदोबस्त डांसिंग कार से हो ही जाता था। वही हमारी बैंक थी और वही हमारा टेलर। एक बार तो ऐसा गजब कपड़ा मिला जाउन पहने से ये फोटो का जरूरत ही नहीं पड़ता था। लीजिए। खाना समोसा अपने आप पास आ जाता था। लीजिए सर। अब रिमोटवा ढूंढे खातिर हमका सीखना था ये गोले की भाषा। बिना भाषा यहाँ कौनो काम पॉसिबल नहीं था। जैसे ही भाई साहब को बताना कि इनके फैशन में हमका थोड़ा डिफेक्ट लग रहा था। हमका फीलिंग आया कि हम उका फैशन बिगाड़ दिया था, ये लिए हम जैसा का तैसा करेक्ट कर दिया। सड़क पे मिला जी मन्ने, कोई कमीनो ठोक के भाग गयो। लागे से टोकट तो है पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। कान का फूस तो नहीं उड़ गयो? बैरो है, सुनते रहे जवाब नहीं दे रहे। लागे सदमे पहुंचे, मेमोरी लॉस, याददाश्त गई। तन्ने कौन ठोकी हो याद है? घड़ी का नंबर याद है? कुछ याद है? चल भाया, चल मेरे साथ। जब तक थारी मेमोरी वापस ना आ जावे ना, तू मेहमान है मारो।
यहाँ ठोकते रहे अपने दिमाग में। झटका लगने से मेमोरी जावे, तो झटका लगने से मेमोरी आ भी जावे। देखा है मैंने फिल्मों में। ये भाई साहब का बोल रहा था, ये समझे खातिर जरूरी था हम उका हाथ पकड़ भाषा का ट्रांसफर मार लो। और पिन कोड लुगाई का नाम ओए। मेमोरी गई तो औरत मर्द का फर्क भूली गयो। एक मिनट, ये देख मेरा लाइसेंस, सेक्स मेल, मैन आदमी, हरामी कमीना। अपने घर जाए खातिर किसी का हाथ पकड़ना बहुत जरूरी था। आयो रे आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग। आयो रे आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग। मरवाएगा तू पिटवाएगा तू, मत कर मत कर मत कर मत कर, घर की छोकरो आयो रे बढ़ गए हारो मेहमान। रंगी पोशाक पहन तू कौन गाँव से आयो, तू पटना से या पाटन से या पटियाला से आयो। रंगी पोशाक पहन तू कौन गाँव से आयो, तू पटना से या पाटन से या पटियाला से आयो। तेरा नाम तो होगा भाया रे जो स्कूल में था लिखवाया रे, तेरा नाम तो होगा भाया रे जो स्कूल में था लिखवाया रे। तेरा कोई पता तो बादल चीर के टपका तू या आया घर दी भाड़, मरवाएगा तू पिटवाएगा तू, मत कर मत कर मत कर मत कर, घर की छोकरो आयो रे बढ़ के मारो मेहमान, घर की छोकरो आयो रे बढ़ के मारो मेहमान। अच्छा है जो खो गई यादें झगड़ा ना तकरार, ओ अच्छा है जो खो गई यादें झगड़ा ना तकरार, अरे ना तू किसी से लेना देना ना कोई सर पे उधार, प्यारो तू लागे बोलो तू लागे, मत कर मत कर मत कर मत कर। तारो दर्द समझ सकूं भाया, लेकिन यहाँ खुल्ला खुल्ला हाथ ना पकड़। माना कभी सट्टा लाग सके है, लेकिन जान को घनो खतरो भी है।
तू उदास ना हो भाया, तू चल चल मेरे साथ चल। इधर तो किसी का हाथ पकड़, पांव पकड़, कोई मारेगा नहीं भाया, हाँ? चल तू चल। ये गजब मोहल्ला था, यहाँ के लोग बहुत ही खूबसूरत और मिलनसार रहे। सब हमरा हाथ पकड़ के हमका इनसाइड अपने घर ले जाना चाहता था। फिर हमका बहुत ही जेंटल और पीस माइंड की एक लेडीज मिली, फुलझड़िया। ए फुलझड़िया, लेके जाए इसको हनीमून रूम में। फुलझड़िया पेशेंस मार के बैठी रही और हम पूरा 6 घंटा तक उका भाषा अपने अंदर खींचता रहा। क ख ग एक्स बाय जेड जो भी उके अंदर था हम सब खींच डाला। फर्स्ट टाइम करे स्टार्टिंग से पहले ही लूल हो गया। जी कहाँ का रहने वाला है? बहुत है, दूर से आया है जी। आप भेले जुआ का नाम ही नहीं सुना होगा। आपकी बोलिया तो हमरे जैसा ना। आप भाई से सीखा है एली, आप जैसा बोलता है सिस्टर। ए सिस्टर होगी तेरी मदर साले, चल निकल निकल यहाँ से। भाई भाया उठो, भाया उठो, भाया भाया तू बोलबू लग गयो। भाया भाया हमका तुहार हेल्प चाहिए भाया। अरे के जादू करियो रे फुलझड़िया ने। भाया हमारे साथ चलो जल्दी, ये मेमोरी और ठोकाई का डायरेक्ट कनेक्शन है। ये बात तो डॉक्टर को बतानी चाहिए भाया। मजो का मजो और इलाज का इलाज। बहुत है इंपॉर्टेंट काम है भाया, जल्दी चलो हमारे साथ जल्दी। यही जगह पर हमारा चेन छीना था। वो चेन हमको चाहिए भाई, वो चेन हमको चाहिए। कीमती है कई, बहुत ही कीमती। देख भाई वो चोर तो अपने गांव को ही होगा, लेकिन चेन अठे ना दिल्ली बेचेगो। अगर कीमती माल मंडावा में बेचेगो ना तो पकड़ो जावेगो। तो हमका चाहे की पड़ी भाया कठे दिल्ली। हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया है। ये क्या है के? हाँ? पुलिस वालों की ये ड्यूटी रह गई, तेरा टीवी का रिमोट ढूंढे? टीवी का रिमोट नहीं था वो। फिर किसका था? वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा चेन जैसा था गले का और बहुत ही कीमती था। कहाँ चोरी हुआ? मंडावा में। हाँ? मंडावा में चोरी हुआ और बावड़े तू यहाँ दिल्ली में ढूंढ रहा है? अरे लेकिन वो चोर दिल्ली में आया ना। तो चोर कहाँ मिलेगा? दिमाग के ढक्कन, 1.5 करोड़ की आबादी है इस शहर की। पुलिस वाले इंसान होते हैं, भगवान नहीं। पाव पकड़ भगवान के, वही तेरी नैया पार लगाएगा। भगवान जाने भैया
हम क्या जाने भगवान जाने कहाँ मिलेगा। अबे चलना कहाँ मिलेगा भगवान जाने कहाँ मिलेगा। भगवान पे भरोसा रख बेटा। भगवान पे ये भगवान कौन है? जॉन हमारी मदद कर सकता है? जेका देखो सब उका नाम रट रहा है। हम जो देखा हमरा तो साला फ्यूज ही उड़ गया। ये गोला के लोग ही जान गया था कि उनका मैन्युफैक्चर कौन किया है। उनका बनाई वाला उनके साथ ही रहता था। गली गली में उका हाउस है। करोड़ों लोग अपना पिराबली मुकरे पास लेकर जाता है और वो तन की सी फीस लेकर सबका तकलीफ दूर कर देता है। ऐसा कौनो मैजिक मिराकल हमरे गोले पर तो नहीं है। हमका बिलीव नहीं हुआ। हम सोचा एक तो टिराय मार लो। एक तो भगवान देना भैया। कौन सा वाला है? ये 20 का, ये 50 का, ये 100 और ये 500। फर्क का है ये 20 वाला और ये 500 वाला ना? साइज का फर्क है बस, बाकी सेम टू सेम। तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना? ला 15 दे। हैं? 15 15। भगवान हमको बहुत भूख लगा है, तने कुछ खाए के लिए दिलवा दीजिए। हम टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये भगवान तो काम कर रहा था, अब हम अपना घर जा सकता था। भगवान हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया, वो दिलवा दीजिए ना, हम घर जाना चाहते हैं। अभी भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। कि क्या क्या मतलब? मतलब नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है, है? लगाओ। अरे भैया इसमें बैटरी वैटरी नहीं पड़ती। तो काम काहे नहीं कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है का? अरे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं बनाते भाई हम। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। काहे बनावो तो उकी मूरत? ताकि हम इनकी पूजा कर सके, अपने सुख दुख की बातें कर सके। अरे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूरत की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे भैया हमारा रिमोटवा चोरी हो गया है, हम भगवान से मांग रहा हूँ तो बतावा थी नहीं कि कहाँ है। पीके है क्या है? मतबल? अरे भैया छोटे से भगवान को कितना और लोड करेगा, चोर के पीछे भागेंगे क्या छोटे छोटे पैरों से? मंदिर के अंदर जा, बड़े भगवान है, उनके पैर पकड़ ले, बहुत फास्ट भागेंगे। नारियल और कुछ पैसे दे देना उनका, तेरा काम कर देंगे। 200 निकाल। सब नारियल और पैसा लेके भेंट कर रहा था अपना अपना काम करवाने के लिए। पूरा 2 घंटा बाद हमारा नंबर आया। भगवान 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 हमारा रिपोर्ट वापस दिलाई दो। किधर है? अरे चलिए भाई। अरे रुकिए, हमारा समनवा नहीं मिला अभी। अरे भाई साहब देखिए, ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं, हम फीस भी भर दिया हूँ। आपका काम हो जाएगा, चलिए आगे। कब हो जाएगा बेटा? कब कैसे बता सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। है? अरे लेकिन हमारा सामान कब मिलेगा? लाइन बंद रोकिए आप, आगे चलिए। अरे हम आगे निकल गया और हमारा समन्वय किसी और को थमा दिया तो? पीके है का? अरे मैडम ठहरिए, क्या कर रही हैं आप? अरे लेकिन कहाँ मिलेगा सामान? मेंटल हॉस्पिटल में मिलेगा आपको। अरे ऐसे कैसे, पैसा यहाँ जमा कराया और डिलीवरी मेंटल हॉस्पिटल में? निकालो कोई इसको। अरे रसीद तो दे दो। अरे रसीद तो दो भैया, वहाँ पूछेगा तो डिलीवरी के लिए कहाँ दिखाएगा? जाइए निकलिए ऐसे, चलिए चलिए ऐसे। अरे लेकिन हमारा रिमोट हुआ, चलिए जाइए। अरे भैया हमार चप्पलवा ना ही मिल रहा है। कोई ले गया होगा, तो किसी और की ले जा, मंदिरों में रोटेशन चलता ही रहता है।
वो पेमेंट वाला ले लिया पूरा और काम नहीं किया हमार। नाम बोल उसका। भगवान। पूरा नाम बोल। पूरा नाम नहीं पता। किधर रहता है? वो सामने वाला मंदिर मामा। तू पैसा उसके हाथ में दिया था? नहीं, वो का डब्बा में डाला। वो बोला तेरा काम करेगा? वो बोलता ही तो नहीं हाँ है। क्यों? गूंगा है? शायद होगा। अच्छा, हुलिया बता उसका। डिट्टो ऐसा ही है, बस साइज में बड़ा है। इधर आ, इधर आ। की है क्या? हाँ, लेकिन आप सभाई को कैसे पता? अबे गधे हैं क्या हम? 20 साल से पुलिस में, देखते ही पहचान लेते हैं कि कौन पीके है कौन पीके नहीं है। कृपाल सिंह, तलाशी ले जरा इसकी। देख इसमें क्या है, दे मुझे। डॉक्टर डिमेल। अरे डॉक्टर साहब, इतना क्यों पीते हो कि अपना धर्म ही भूल जाते हो? चर्च छोड़कर मंदिर में घुस गए, दंगे कराएंगे क्या आप? आप अपने चर्च जाइए, अपने भगवान के पास। चर्च? निकल, गेट आउट। हमरा रिमोट हुआ। तुम्हारे पापों के लिए गॉड सूली पर लटक गया। और तुम सूली पर गॉड लटक गया? कब? 2000 साल पहले। फॉर योर सिंस। अरे लेकिन हम क्या किया? हम तो अभी अभी आया हूं यहां। पीके हो क्या? हाँ। गॉड इज वॉचिंग यू। वो देख रहा है तुम्हारा बिहेवियर। कहा? कहा? किधर है गॉड? वो लोटामा कहा है? वाइन। भाइन, अब जाकर बात हमका समझ में आए। गार्ड नारियल पानी से बोर हो चुका था, अब उका भाइन में मजा आ रहा था और भाइन महंगी थी, तो हम पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ पैसा मिला वो डांसिंग कार से और कुछ वो जेंटलमैन से जॉन रोज ब्रिजवा पे कटोरा लेके खड़ा रहता था, जिसको जितना चाहिए था ले जा सकता था। भाई साहब, यहाँ कौनो भगवान का घर है का आसपास? हाँ भैया, ये सामने ही है आपके। जाहिद शराब पीने दे, मस्जिद में बैठ, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। क्या है इसमें? भाई, गार्ड के लिए। कहाँ है? मैडम वो बहुत है सैड लग रही थी, कारण जाने खातिर हम उका हाथ पकड़ लिया। अबे विधवा को देख के टाइम आ रहा साले,
तो हर कैसे पता विधवा है? मैं सफेद साड़ी डाली है, तेरे को दिखता नहीं। Is everything fine? Everything is perfect. Listen, just relax, smile, smile. Oh my God. बड़ा अफसोस हुआ कि आपके पति मर गए। What? कब? हमका का मालूम कब? आप भाई सफेद पहन के घूम रहे हो? शादी में सफेद ही तो पहनते हैं। नहीं, सफेद तो मरने पे पहनते हैं। मरने पे काला पहनते हैं, stupid. समझ आया? Not on stage. तीनों के पति मर गए का? दिखाई साथ? अबे मैं अभी जिंदा हूँ, तू क्या? बहुत धुलाई के बाद समझ आया कि ये गोले पे एक नहीं, बहुत सारा भगवान था और सब भगवान का अलग अलग रूल्स था। सब भगवान अपना अपना कंपनी खोल रखा था, लोग उसको धर्म कहता था और हर धर्म का अलग अलग मैनेजर था। ये गोले का हर आदमी कौनो एक धर्म से यानी कौनो एक कंपनी से जुड़ा हुआ था और वो उसी कंपनी का भगवान को फॉलो करता था, दूसरे को नहीं। अब हम कौन कंपनी का मेंबर हूं, हम कौन भगवान का पूजा करूं? रिमोटवा पाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी था। ये क्या कर रहे हो? थप्पा कहाँ लगता है? कौन सा थप्पा? अरे धर्म वाली मोहरिया, ये कौन सी कंपनी का है कैसे पता चलेगा? भगवान थप्पा कहाँ लगाता है भाई? सिक्योरिटी! हमारा धर्म पता लगाना मुश्किल साबित हो रहा था। अब एक ही तरीका था, हम हर धर्म के भगवान का पूजा करो। इमा से कोई एक तो हमारा भगवान होगा जौन हमारी बात सुन लेगा। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़े पढूं, अरदास करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में है वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू।
तुझे पाने की राह है कई, हर राह चला पर तू ना मिला, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ, भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू, भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। बहुत ही कंफ्यूज़ आ गया हूं भगवान, हम कुछ तो गलती कर रहा हूं जॉन, हमारी बात आप तक पहुंच नहीं रही, हमें कठिनाई बूझिए ना, तन की गाइड कर दीजिए प्लीज। ऐसे हाथ जोड़ के आपसे बात करें या ऐसे घुटने के बल बैठ के माथा जमीन पर रखें, घंटी बजाकर आपका जगाए या लोड स्पीकर पे आवाज दे, गीता का श्लोक पढ़े, कुरान का आयत या बाइबल का वर्स, आपका अलग अलग मैनेजर लोग अलग अलग बात बोलता है, कौनो बोलता है सोमवार को फास्ट करो तो कौनो बोलता है मंगल को, कौनो बोलता है सूरज डूबने से पहले भोजन कर लो तो कौनो बोलता है सूरज डूबने के बाद रोजा तोड़ो, कौनो बोलता है गैया की पूजा करो तो कौनो बोलता है उसका बलिदान करो, कौनो बोलता है नंगे पैर मंदिर में जाओ तो कौनो बोलता है कि बूट पहन के चर्च में, ससुर कौन सी बात सही है कौन सी गलत समझ में नहीं आ रहा है, प्रस्तुत आ गया हूं भगवान, आपका घर जाना है, आप जो बोलेगा हम करेगा, बस हमका घरे पहुंचा दीजिए प्लीज, कुछ तो बोलिए, आप में से कौन हो कुछ तो जवाब दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। लॉक क्यों कर रहा है बे? आज जाने नहीं देगा। दरवाजा खोल, मेरी एंट्री है यार। शिव, जो पाप विनाशक हैं, जिन्हें किसी का भय नहीं। सिकंदरी, सिकंदरी। कौन है तू? भाई जाने नहीं का हमका, हाँ? हम पीके हो पीके। सिकंदरी, कोई है कि नहीं वहाँ? लोग पीपा के आ जाते, मैं की टॉयलेट में शो करूँगा। चल खोल दरवाजा। कौन? पहले हमारा रिमोटवा दो। अरे कौन सा रिमोटवा? स्पेसशिप का रिमोटवा। स्पेसशिप है? भूल गए का?
अरे कितनी बार बताया आपको, हम ही गोला का नहीं हूं, बहुत दूर के गोला से आया हूं। अरे हटाओ ये का, आप हमारा रिमोट दिला देगा तो हम घर रिटर्न चला जाएगा, आप समझ रहे हैं ना? ब्रदर मेनू जान दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे मालूम है हमका, गणेश जी और कार्तिक इतने छोटे भी नहीं है, वो अकेले रह सकते हैं घर में। आप हमारा रिमोट दिलाई दो फिर जाओ अपने फैमिली के पास। भगवान बचा ले। अरे तुम्हारे ऊपर भी कौन है भगवान है का? कहा है नाउ प्रेजेंटिंग द डांस ऑफ शिवा द फियरलेस। बचाओ की बर्फीली पहाड़ियों में प्रभु का ध्यान लगाए बैठे थे, तभी अचानक प्रकाश, अथाह प्रकाश, और वो प्रकाश फूट रहा था धरती पर पड़े एक छोटे से मनके से। हमने नेत्र मूंद लिए और प्रभु का ध्यान लगाया, अगले ही क्षण में कनेक्शन मिल गया। प्रभु पथ प्रदर्शित करें, ये अलौकिक चीज क्या है जो इतनी बर्फ में भी शीतल नहीं पर गर्म है। प्रभु बोले कि वत्स, ये शिव जी के डमरू का टूटा हुआ मनका है, इसे ले जा, इसे ले जा और एक भव्य मंदिर में इसकी स्थापना कर, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बोलो भोले भोले। आप लोग देखना चाहेंगे शिवजी के डमरू का वो टूटा हुआ मनका? बोलो भोले भोले बम बम भोले। उत्साह में है, उसे आने दो, आओ पुत्राओ। बम बम बोले, बम बम बोले, प्रभु की जय। उधर नहीं बेटा, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जो कहना है यहाँ कहो। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। भगवान आप कहाँ हैं? पिरंट में आइए, हम आपको थमको बोलना चाहता हूँ। हैं वो यही है, हमका टॉयलेट में मिले थे, हम अपनी प्रॉपर्टी मांगा तो दौड़ लगा लिए, हमका फीलिंग हुआ कि खिसक लिए, लेकिन नहीं, वो हमका यहाँ लेकर आए हमारी प्रॉपर्टी के पास। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। ये शिव जी के डबरुआ का मनका नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, गलती से आपको डिलीवर हो गया और आपका मनका कहीं और चला गया। पूछे उनसे जय कहीं है। प्रभु सामने आइए ना, फ्रंट में बताइए। ठीक है, हम अपनी प्रॉपर्टी ले जाते हैं। अरो का मुसाफिर नमाज़ी ना काफ़िर, सैया ये बता दे कहाँ हूँ मैं आखिर। ये कैसी है तेरी आँख में चोली, मुझे घर ले जा हम जली दिल।
आपको कब से लग रहा है कि आप किसी और प्लैनेट से हैं? देखिए, आपको किसी साइकाइट्रिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर से मिलना चाहिए। चलिए मैडम, 500 में इतनी ही सजा दे सकते हैं। एक मिनट। ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर लिखा है, आप चाहें तो मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती हूँ, बेझिझक मुझे फोन करना। ओके, ठीक है, थैंक यू पांडे जी। आपको हमारी स्टोरी झूठी लागत है तो जाइए उस सुसाइड वाला कुतवा ही दिखाइए टीवी पे। निक्कू, वही है आपके नसीबा मां। पांडे जी मुझे बस 2 मिनट के लिए वापस अंदर जाने। ये क्या बार बार अंदर बार कर रही है? एक काम कर, 500 का लोट और दे और पूरा आदमी ले जा। निक्कू, सुसाइड वाला कुत्ता, ये मैं तुम्हें कब बताया? अभाव नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? जब आप हमने हाथ पकड़ा था तब जॉन आप सोच रहा था वो काम रीडिंग मार लिया, आप सोच रहा था कि गई स्टोरी, अब निक्कू ही आया हमारे नसीब में। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें बताया, सच बताओ। मैडम, हमका झूठ बोले आवाज ही नहीं है, झूठ तो सबर से निकलता है, हमारे गोले पर तो लोग हाथ पकड़ कर दिमाग पढ़ लेता है। लाओ हाथ। नो वे। अरे लाओ लाओ। मेरी मदद करो पुत्र जी, मेरी वाइफ बहुत सीरियस है, यहाँ अस्पताल में दाखिल कराने के लिए अस्पताल वाले 10,000 रुपया मांग रहे हैं, मेरे पास 500 काम है, अगर तू 500 दे देगा पुत्र तो मैं अपनी वाइफ को। तू मुझे अपना पता लिखा दे, मैं मनी ऑर्डर से भेज दूंगा पुत्र। हमारे घरे मनी ऑर्डर नहीं पहुंचेगा अंकल, आप रख लो, आप रख लो। शुक्रिया पुत्र, शुक्रिया। अंकल, 100 रुपये और रख लो, टिप दे खाते। पुत्र लो, प्रूव हो गया, तुम कोई माइंड वाइंड नहीं पढ़ सकते, तुम्हें दिखाई नहीं दिया वो आदमी तुम्हें बेवकूफ बना के चला गया, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं। मालूम है हमका, वो अपना वाइफ को 5-star होटल खाना खिलाने लाया है, आज उसका वाइफ का 75वां सालगिरह है, 75 साल में उसका वाइफ कभी 5-star होटल नहीं गया, महीनन से थोड़की पैसा जमा कर रहा है पेंशन से, वाइफ ने आइसक्रीम का ऑर्डर मार दिया, बजट से आउट हो गया, वाइफ को बोला बाथरूम जा रहा हूँ, यहाँ आ गया पैसा जोड़ने। कुछ भी मैडम, हमारा गोला पर लोग झूठ नहीं बोलता है, बाकी आपका मर्जी। सीधा मौका है। We'll be right back.
हम बोला ना हमारे गोले पर कौनो झूठ नहीं बोलता। तुमने किसी को बता? तुमने किसी को बताया तो नहीं ना तुम एलियन हो? बताता तो लेबोरेटरी में डाल देता हमका, काट कूट के देखता सब के हमरे अंदर कहा है। तो फिर मुझे क्यों बताया? जब से हम ही गोला पर आया हूँ हर कोई हमसे पैसा लिया है, कौनों का भी दिया नहीं है। तुम पहला मिला जॉन हमरी खातिर 5,000 डब्बा में डाल दिया। अंदर से फीलिंग आया कि तुम जेंटलमैन है, तुमका ट्रस्ट कर सकता है। मैं तुम्हारा रिमोट दिलवाऊंगी पी के। कैसे? अभी वो पता नहीं, पर तुम अपने घर वापस जरूर जाओगे। That's my promise. ऐसे टुकुर टुकुर कहाँ देखा तो? तुम्हें एलियन रोज रोज नहीं आते मेरे घर। अच्छा तुम्हारे प्लैनेट में सबके कहने से बाहर होते हैं? सेम टू सेम। और वहां सब लोग नंगे घूमते हैं, अजीब नहीं लगता? कौवा नंगा बैठा है, अजीब लग रहा है का? अब टाई पहन के बैठेगा तो अजीब लगेगा। पीके, मैं रात भर नहीं सोई, सोचती रही कि तपस्वी से तुम्हारा रिमोट कैसे वापस निकाले। हेलो हेलो, कनेक्ट टू बलबीर सिंह जी, रूम नंबर 4। रॉन्ग नंबर। ये फोर्टिस हॉस्पिटल नहीं है भाई साहब? मैं आपसे कल से कह रही हूँ, आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। ओ जी रॉन्ग किस तरह हो सकता है, मैं नंबर सेव कीता मोबाइल पे पर्सनली। हाँ तू क्या सोचा? हेलो कनेक्ट टू बलबीर सिंह, रूम नंबर 4। ओहो हो, तुसी देर कर दीजिए कॉल कारण विच। क्यों? बलबीर जी के साथ सुबह डेथ हो गई। की? पर पाइल्स के ऑपरेशन में डेथ कैसे हो सकती है? हाँ है तो बड़ी शर्म की बात। कोई गल नहीं जी, डेथ सर्टिफिकेट में लिखा देंगे कि हार्ट अटैक आया था, फैमिली रेपुटेशन स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। है? आओ जी बॉडी तो ले जाओ। आ जाए। ओके बाय। तुम ऐसा काहे बोली? खुशियां बांट रही हूँ यार। है? अब वो अस्पताल जाएगा, अपने दोस्त को जिंदा देखेगा, सोचो उसे कितनी खुशी मिलेगी। का? अरे इसके रॉन्ग नंबर से पक गई थी तो थोड़ी फिरकी ले ली बस। फिरकी? पीके मैं मजाक कर रही थी। हम समझ गए, पूरा गेम समझ गए हम, कौनो फिरकी ले रहा है। तपस्वी जी भगवान को जॉन टेलीफोन लगाता है, ऐसा मुंडी ऊपर करके प्रभु पद प्रदर्शित करे, वो सब काल रंग नंबर पर जा रहा है और वहां कौनो बैठा है जॉन उनका फिरकी ले रहा है। नहीं तो भगवान हमारे रिमोटवा को अपना डमरू का टूटा हुआ मन का कैसे बोल सकते हैं? हमका लागत है भगवान से बात करे का कम्युनिकेशन सिस्टम ही गोला का टोटल लोल हो चुका है, सब मैनेजर का काल रंग नंबर पर जा रहा है। मतलब हम हमेशा सोचता था भगवान हमारे प्रॉब्लम का ये उल्टा सीधा सलूशन काय देता है। कब बोलता है कि गुलटिया मारते रहे हमारे घर आओ तो तुहार काम करूंगा। अब बताओ हम सब भगवान का बच्चा है ना, तो कौनो नॉर्मल बाप अपना बच्चा को बोलेगा कि गुलटिया मार तो तुहार काम करूंगा? तुहार पापा कभी बोला था कि बिटिया नया ड्रेस चाहिए तो चल गुलटिया मार है? कब बोलता है कि हमका गैया के दूध से नहलाओ डेली, काल आ जाएगा इमा। देखिए अगर ये कॉल्स राइट नंबर पर असली भगवान के पास जाते तो वो क्या बोलते? क्या बोलते? अरे बोलते कि हमारा करोड़ों बच्चा भूखा सोता है फुटपाथ में डेली, उका ही दूध पिलाओ, हमका काय सहाओ दे रहे हो दूध से है? हम श्योर हो कौनो फिरकी ले रहा है, जैसे अभी तुम लिया था।
पीके सोच रहा था तपस्वी बहुत शरीफ आदमी है। मैंने उसका ये कन्फ्यूजन नहीं मिटाया क्योंकि मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया ने जन्म लिया, एक ऐसा आइडिया जो पीके का रिमोट वापस दिला सकता था। कौन है ये पीके? कौन है, कहां से आया, कुछ पता नहीं, पर जिस ढंग से वो उस दुनिया को देखता है हम देख ही नहीं सकते। मतलब अगर आपको सिगरेट पीते देखेगा तो पुलिस को फोन कर देगा कि चेरी बाजवा सुसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि पैकेट पे लिखा है स्मोकिंग किल्स और आप फिर भी पी रहे हो। तुम क्या करना चाहती हो? महायुद्ध, मैं तपस्वी और पीके को एक दूसरे से भिड़वाना चाहती हूँ। उनके बीच जो बातचीत होती है वो टीवी पे दिखाना चाहती हूँ। टीआरपी छप्पड़ फाड़ देंगे। जगू, ऑलरेडी मेरे राइट बम पे त्रिशूल के तीन निशान है। तुम चाहती हो मेरे लेफ्ट बम पे भी बैलेंस हो जाए? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नो चेरी, इस महायुद्ध की खासियत यह है कि पीके तपस्वी से लड़ेगा नहीं, वो उसे बड़े प्यार से समझाएगा कि उनकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंची नहीं रही है, वो किसी रॉन्ग नंबर पे जा रही है। तपस्वी समझ नहीं पाएगा वो पीके से डील कैसे करे। चेरी चेरी, यहीं पे बैठा आप एक बार मिल लीजिए ना, आई चैलेंज यू, आप भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ट्रस्ट मी प्लीज। भैया ये तो मेरी जेबी में से गिर गया। ओह थैंक यू। ये मेरा नहीं है ये? कामा सूत्र स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आई हेट स्ट्रॉबेरीज यार। अरे इनसे पूछो ना, मेरा नहीं है ये। क्या अजीब है यार। मैडम आपका है का? हाउ डेयर यू। परसों में चेक करो, कुछ मिसिंग उसिंग तो नहीं है? कौन है आप बदतमीज। अंकल आपका है का? नहीं मेरा नहीं। पीके ये इनका है, इसके बारे में जो सवाल पूछना चाहते हो इनसे पूछ सकते हो। आ जाओ आ जाओ। कहा है? एक कॉन्डोम है। इसे कहा होता है? इसे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। कैसे? इसे पहनना पड़ता है व्हाइल हैविंग सेक्स। आपके पहनने से वर्ल्ड का पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होता है? मेरे पहनने से नहीं, इसे करोड़ों लोग पहनते हैं। सब आप ही से लेके जाते हैं का? सबके पास होता है। हमारा एक तो सवाल है। पूछो पूछो पीके, जो पूछना है पूछो। जब लोगन की पकेटवा में से पैसा गिरता है तो सब झपट्टा मारता है, बोलता है हमरा है हमरा है, लेकिन जब कंडमवा गिरता है तो सब भागने लगता है, बोलता है हमरा नहीं हमरा नहीं, ऐसा क्या है? यार यार सेक्स बहुत प्राइवेट बात होती है। क्या है? अभी दुनिया को थोड़ी अनाउंस करता है कि आज आई एम हैविंग सेक्स। फिर शादी ब्याह में पटाखा फोड़ के बैंड बाजा बजा के काहे पूरे शहर को बताया जाता है कि आज आई एम हैविंग सेक्स? क्या बात? तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हारे लिए एक नौकरी है मेरे पास। चलो चलो, जिसे अपना माइंड चेंज कर ले। अपना पिछवाड़ा संभाले तपस्वी, अब मेरा त्रिशूल आ रहा है। तपस्वी जी रोज यहाँ अपने भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातचीत भगवान से करवाते हैं। हम अंदर जाएंगे, उनकी फोन कॉल्स गौर से सुनेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि दूसरी साइड से कोई फिरकी ले रहा है तुम तुरंत खड़े हो जाना और तपस्वी जी को समझाना कि उनकी फोन कॉल्स रॉन्ग नंबर पे जा रही है। ऐसा करे से वो हमारा रिमोट लौटा देगा। जिस दिन वो समझ जाएंगे कोई फिरकी ले रहा है उस दिन वो ये भी समझ जाएंगे कि डमरू के मनके की बात भी मजाक थी। हाँ। तुम्हारा रिमोट वापस दे देंगे। ठीक है, हम समझाते उसको। किसी का घर बनाना पुण्य का काम है और भगवान का घर बनाना महापुण्य का काम है, तो जी खोल कर दान कीजिए और मुक्ति पाइए अपनी पीड़ाओं से। कहो भक्त क्या पीड़ा है? तपस्वी महाराज, मेरी पत्नी 6 महीने से पैरालाइज्ड है, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए हैं, हम चाहते हैं आप प्रभु पथ प्रदर्शित करें। जी दिशा प्रभु, वाहन
जैसे आज्ञा प्रभु। राथांग ग्लेशियर का नाम सुना है? जी नहीं। हिमालय में है, ट्रेन पकड़ो, सिलीगुड़ी जाओ, वहां से बस में गैंगटॉक, फिर वहां से पदयात्रा, 8 दिन लगेंगे। कंचनजंगा की गोद में भगवान का भव्य मंदिर है, माथा टेक आओ, काम हो जाएगा। राग नंबर है, ई राग नंबर है। क्या है? राग नंबर। तपस्वी जी, भगवान से बतियाए खातिर आप जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो लुल हो चुका है। आपका सब काल राग नंबर पर जा रहा है और वहां कौनो डुप्लीकेट गार्ड बैठा है जो आपका फिरकी ले रहा है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम समझाता हूं, हम सब गार्ड का बच्चा है ना। हाँ है तो? तो अगर आपका बचवा परेशानी में आपके पास आता है तो आप क्या करेगा? उका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या उका बोलेगा कि 2000 किलोमीटर दूर हमारा एक और घर है, वहां आके हमका यही प्रॉब्लम दोबारा समझाएगा, फिर हम सॉल्व करेगा, काम अदबल हुआ। अगर काल असली गार्ड के पास जाता तो वो बोलता कि बेटा वाइफ बीमार है, उसकी सेवा कर, उका छोड़कर हमारे पीछे काय भटक रहा है। अरे एक दिन तो मरे के बाद सभी को हमारे पास आना है, अभी तो उसके साथ टाइम बिता है कि नहीं? हम प्रूव कर सकता हूं कौनो फिरकी ले रहा है। तपस्वी जी, आप दोबारा फुरवा लगाओ गार्ड को और पूछो उका, गारंटी देता है कि आंटी ठीक हो जाएगा। अंकल, जब तक लिखत मना मिले जाना नहीं आंटी का छोड़ के। हाँ, अरे आप फुनवा लगाओ ना, अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ, तपस्वी जी की मौन साधना का वक्त हो चुका है। अरे तपस्वी जी, वो डुप्लीकेट गार्ड हमारे सामानवा को अपना मक्का बोल दिया है। आज तक किसी भी आम आदमी ने ना भगवान को देखा है ना सुना है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं ये भगवान के मैनेजर्स हमें बताते हैं। पीके ने आज एक बहुत अहम सवाल उठाया है। का? कि भगवान के मैनेजर्स की आवाज क्या सचमुच भगवान तक पहुंचती है? नहीं। जो नुस्खे हमें सिखाए गए हैं वो गॉड से आ रहे हैं या किसी फ्रॉड से? रॉन्ग नंबर से आ रहे हैं। तो पीके बताओ कि ऐसे हालात में पब्लिक क्या करे? जब तक टेलीफोन का लाइन का मरम्मत नहीं हो जाए तब तक अपना प्रॉब्लम आपस में मिलजुल कर सॉल्व करो, एक दूसरे का हेल्प करो। और का? पीके ने बहुत बड़ी बात कही है। जब तक भगवान के मैनेजर्स हमें असली भगवान तक नहीं पहुंचा सकते हम उनका सहारा ना ले, एक दूसरे का सहारा बने। कैसे किसी शक्ति बोलो बोले बोले बम बोले बम बम बोले। पीके कह रहा है कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो मन का उनकी प्रॉपर्टी है। आपकी जेब में क्या है? सिगरेट पीते हैं आप? जी हाँ। तो शराब भी पीते होंगे? जी कभी कभी। आप सिगरेट पीते हैं शराब पीते हैं ये जानते हुए कि ये दोनों जहर हैं। सरकार परमिशन देती है, फैक्ट्रियां ये जहर बनाती हैं, दुकानों पर खुलेआम ये जहर बिकता है और तब कोई सवाल नहीं करता। लेकिन जब हम इस भूमि पर जहां भगवान राम का जन्म हुआ, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, एक मंदिर बनाना चाहते हैं तो यह सवाल क्यों? सवाल पूछना है तो जाकर उससे पूछिए जो इस मंदिर के निर्माण को रोकना चाहता है। कौन है यह पीके? कहीं परवेज खान तो नहीं या पाशा कमाल तो नहीं? कृपा करें आप लोग, अगर सवाल पूछना है तो जाकर उस पीके से पूछिए क्या है उसका मजहब, उसका धर्म, उसका मजहब क्या है। सदियों पहले आया था महमूद गजनी हमारे मंदिर तोड़ने के लिए, आज फिर से कोई आया है जो कि इतिहास को दोहराना चाहता है। लेकिन हाँ,
तपस्वी जी जरा अपना गार्ड को टेलीफोन घुमाओ, वो हमारा धर्म जाने चाहते ना, पहले उका पूछा कि उका ही बच्चे लोग का क्या धर्म है। अरे ये क्या किस तरह का मजाक हो रहा है यहाँ पर ये? अरे घुमाओ फुनवा, पूछा उका। देखो उसके लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है हमें, इतना तो हम खुद ही बता सकते हैं, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये जैन है, और ये तुम्हारी बिरादरी की है। जरा आप लोग अपना अपना नाम बताओ तपस्वी जी को। हेलो जी, साडा नाम सुखविंदर सिंह बेदी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास अली याकूब है। जय जैनेन्द्र, मैं महावीर जैन। हाय, आई एम क्रिस्टोफर डिसूजा। नमस्कार, मैं जगत जननी सानी। कंफ्यूज आ गए, हम ई सब का ड्रेस अदला बदली कर दिया, समझ रहे ना आप, धर्म का कनेक्शन फैशन से है। हम समझाता, यहां ये देखा, दाढ़ी मोछ और पगड़ी तो सिख, निकल गई पगड़ी तो हिंदू, और निकल गई मोछ तो मुसलमान। ई फरक वो रॉन्ग नंबर वाला डुप्लीकेट गार्ड बनाया, असली गार्ड फरक बनाता तो ठप्पा लगा के भेजता। है कौन ठप्पा आपके बाड़ी पे मेरे? अरे टुकुर टुकुर कहा देखा, तो कपड़े उतारो, चेक करो, है शर्मा कहा है? चलो सब लोग कपड़ा उतारो और दिखाओ तपस्वी जी को, है कौन ठप्पा बाड़ी पर? अरे कहा शर्मा रहे हो, चलो हम भी उतारता हूं, ठीक है लो। ये दे। है कौन ठप्पा, देखा है कौन ठप्पा, नहीं आए ना, है कौन ठप्पा? ओके भगवान की आरती उतारिए। जग्गू बंद करो ये तमाशा। पापा 40 दिन की थी तू जब तपस्वी जी ने तुझे अपनी गोद में लेके नाम दिया, याद रहे जो नाम दे सकता है वो नाम बिगाड़ भी सकता है। पापा जगत जननी नाम दिया था, इससे ज्यादा क्या बिगाड़ेंगे? यू कितने पैसे चाहिए तुझे? पापा अरे पैसों के लिए डरा रहा है ना तपस्वी जी को? नहीं नहीं, जलेगा तू नर्क में, जरा भगवान के प्रकोप से डर। थंकू पापा थंकू, हम गेम आधा अधूरा समझा था, बाकी तुम पूरा समझा दिया। ये खेल डर का है, वो रॉन्ग नंबर वाला सिर्फ हमारी फिरकी नहीं ले रहा है, वो हमारे डर का फायदा उठा रहा है, समझा? पीके तुम जो भी समझे तुम पापा को समझा सकते हो? हाँ हम समझा सकता है, विरूप कर सकता है। चलो चलो हमारे साथ, इस बकवास के लिए वक्त नहीं मेरे पास। पापा अगर बात बकवास निकली तो मैं शो बंद कर दूंगी। पापा ये कॉलेज में एग्जाम चालू है, स्टूडेंट लोग सब भयंकर डरा हुआ है, अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। चलो आओ, हम दिखाते हैं, आ जाओ। चलिए ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन, ये हो गया थोड़की सा इन्वेस्टमेंट, और ई हो गया इनागुरेशन। अब देखिए 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल। उड़ हो गवा शुरू, चाह का बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है, स्टोव केतली चाह शक्कर गिलास थर्मस, और यहाँ एक तो पत्थर और लाठी का बस। वहाँ कस्टमर को बुलावे पड़ा था और यहाँ कस्टमर को भगावे पड़ा था। चला चला जल्दी करा, अरे दूसरों को भी जाना तो भाई चलो।
वहां कस्टमर के आगे झुके पड़ा था और यहां कस्टमर आपके आगे झुकता है। उड़ेगा, बहुत ज्यादा डरा हुआ हो पूरा लेट जाता। देख रॉन्ग नंबर वाला बिजनेस कर रहा है, डर का बिजनेस। वो समझ गया है कि जो डर गया सो मंदिर गया। तुम भी बहुत डरता है, निकालो सबका। धर्म के मामले में सवाल नहीं उठाते, ये विश्वास की बात है। अगर भगवान चाहते कि हम सवाल ना उठाए तो वो हमें तर्क करने की, रीजन करने की शक्ति नहीं देते। ये धर्म के ठेकेदार जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो मारते हैं, डर फैलाकर चुप करा देते हैं। पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। आज तक एक पी के सवाल उठा रहा था, अब हजारों पी के सवाल उठाएंगे। तो दोस्तों उठाओ अपना फोन और अगर आपके आसपास कोई रॉन्ग नंबर दिखाई दे तो उसे शूट करके हमें भेजो। आपका फुटेज दिखाएगा हमारा चैनल। उठाओ फोन, उठाओ सवाल। बाबा जी, बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी। अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम, हरिओम, हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। जग्गो, चल मेरे साथ। चलना मेरे साथ, पूरे देश से रॉन्ग नंबर आ रहे हैं। तुम लोगों ने तो आग लगा दी। चल दिखते। वो बोले गाय को चारा खिलाओ, जॉब मिल जाएगी। अब क्या ये गाय मेरा बायोडाटा लेकर कंपनी टू कंपनी घूमेगी या monster.com पे बायोडाटा डालेगी? ये रॉन्ग नंबर है। और देख, और देख। ये कह रहे क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओगे। अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। अब क्यों धर्म बदलवा रहे हो? रॉन्ग नंबर है। ये सब स्कूल जाना चाहती है, फतवा निकल गया लड़कियां स्कूल जाएंगी तो गोली मार देंगे। इतना छोटा नहीं हो सकता हमारा खुदा कि इन बच्चों के पढ़ने लिखने पे उसे एतराज हो? रॉन्ग नंबर है ये। हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसने पूरे ब्रह्मांड के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है, आप लोग उसे स्वीकार करें। मंदिर के बाहर आपके चेले चपाटे 10-10 रुपए में किताबें बेच रहे हैं। पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ बता रहे हैं, मंत्र पढ़ो तो पुत्र पैदा हो जाएगा। मतलब इनके हिसाब से एक 10 रुपए किताब खरीद लो और भगवान के मास्टर प्लान की पूरी तरीके से बाट लगा दो। पीके, तुम्हारा शो हिट है, दुनिया भर से SMS आ रहे हैं। ये देखो एक और। क्या हुआ? पापा का मैसेज है, वो शर्मिंदा है, मैं उनकी बेटी हूं। पता है मैं ना 10वीं में थी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी पापा के लिए। मैं दिखती हूं माँ जैसी, सब कहते हैं, सब कहते हैं, सच कहते हैं, पर मैं हूं अपने पापा की बेटी। एनुअल डे पे सुनाई थी मैंने ये कविता, सब पेरेंट्स ने तालियां मारी थी। उन तालियों के बीच में ना कोई जोर जोर से सीटी बजा रहा था। तालियां रुक गई, वो सीटी नहीं रुकी। वो पापा थे, ही वाज सो प्राउड ऑफ मी। और आज ये मैसेज भेजा, शेम्ड ऑफ यू। तुम्हारे फादर के दिमाग में मां कौनो रॉन्ग नंबर खिला मार के बैठा है। जौने देनी रॉन्ग नंबर निकल जाएगा ना, इतना सिटी मारेगा वो, इतना सिटी मारेगा कि रुकेगा ही नहीं ससुरा। मुझे नहीं आएगा पीके। ए सैड ना हो, चलो उठो, उठो। क्या? अरे हमरे गोला पर जब लोग सैड होते हैं तो पता है क्या करते हैं? क्या कर रहे हो पीके? हमरे साथ करो, बैटरिया रिचार्ज ऑटोमेटिक। क्या? हमका कॉपी करो, चलो पीके। पीके हम क्या कर रहे हैं?
आँखियाँ बंद करो। क्या बंद करूंगी तो कॉपी कैसे करूंगी? हाँ ठीक है तो खुली रखो। तुझे तक 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 तकते रहना, तेरी बक 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो है बेस्ट ऑफ टाइम, लव इज अ बेस्ट ऑफ टाइम, प्यार व्यार बेस्ट ऑफ टाइम, ये लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन मा, एक बार तो इस जीवन मा कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम, आई वॉन्ट टू बेस्ट माई टाइम, आई लव दिस बेस्ट ऑफ टाइम। पचहत्तर बार मिरर वा देखे, बत्तीस बार हम अपना बाल बनाए, आठ मरतबा कपड़ा चेंज किए हम, भर भर बोतल बढ़िया सेंट लगाए, सजते रहे संवरते रहे किया ना कोई भी काम, आज समझ में आ गया भैया लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन मा, एक बार तो इस जीवन मा कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम, आई वॉन्ट टू बेस्ट माई टाइम, I love this best of time. जब गजब सी उथल पुथल है मनमा, कैसी है ये फीलिंग कैसे बताए, बैठे बैठे बिना बात मुस्काए, क्या है माजरा कुछ भी समझ न आए, का मन करे कि जोर जोर चिल्लाए, आज समझ में आ गया भैया लव इज बेस्ट ऑफ टाइम,
फिर भी सोच लिया हूँ मन मा एक बार तो इस जीवन मा कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम. I want to waste my time. I love this best of time. दान पत्र में पैसे से ज्यादा सवाल आ रहे हैं प्रभु. प्रभु आपके फोटोज, किताबें, दवाइयां, तेल, अगरबत्ती सब बिकना बंद हो गया है. फेसबुक और ट्विटर पे लाखों नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं. सरपंच, ये तो वो है जो आपके सपोर्ट में है प्रभु. गालियां तो इसमें है. कुछ कीजिए प्रभु, अब और दिन छिपके रहना हानिकारक हो सकता है. बाजवा का फोन लगाओ, बहुत सवाल करता है ना ये. अब इससे एक सवाल हम करेंगे. ए जगो. या व्हाट हैपेंड? तपस्वी हमारे शो पे आना चाहता है. व्हाट? वो पीके से बहस करना चाहता है. दैट्स ऑसम, पीके बजा देगा. एग्जैक्टली, इट्स गोना बी वन मदर ऑफ अ शो. तू पीके को तैयार कर. मीतू, पुट द प्रोमोस आउट. देखना ना भूलें एक सवाल और रविवार शाम 6 बजे. ओए स्टार बन गयो मारो यार. ओए देखो, ओए स्टार बन गयो मारो यार. नंगो घूम तो नंगो, इन्हें स्टार बनायो मैं. कमीनो बैठो है टेलीविजन में और मैं किस पिद्दे से गांव के फुद्दू से ठेके में बैठकर थारे जैसे गधेड़ों के साथ दारू पी रहा हूँ. स्टार बना दो, स्टार बना दियो. भैरव सिंह है तुम्हारे लिए. भैरव, टेक दैट लाइन. भाया, अरे ठरकी चोकरो, तू तो स्टार बन गयो यार. भाया, तुम कहाँ हो भाया? अभी मैं मंडावा में हूँ, कल आ रहा हूँ तारे शहर में. तारे वास्ते एक तोहफा भी लेके आ रहा हूँ. जिसने थारो सामान चुरायो वो चोर मारे कब्जे में है. उसने थारो सामान 40,000 रुपए में बेचियो. पूछ किन्ने? किन्ने? तपस्वी जी को. प्रभु ने कहा ये शिव जी के डमरू का टूटा हुआ मनका है, इसे ले जा, इसे ले जा और ले जा के एक भव्य मंदिर में इसकी स्थापना कर, क्योंकि इसके दर्शन मात्र. हेलो, क्या हुआ? जॉन हमारा रिमोटवा चुराया था, वो चोर पकड़ा गया. व्हाट? Really? भाया बोला कि चोर ने रिमोटवा तपस्वी जी को बेचा. फिर तो तपस्वी का गेम ओवर. चोर को उसके घर ले चलते हैं, बोलेंगे मोटे तेरे पास 60 सेकंड है, रिमोट वापस कर, नहीं तो चोर को टीवी पे ले जाएंगे. तपस्वी को हमारा रिमोटवा हिमालय पे नहीं मिला था. मतबल तपस्वी जी झूठ बोल रहा है. मतबल रॉन्ग नंबर डुप्लीकेट भगवान नहीं तपस्वी जी फैला रहा है. ये बात तुमको मालूम थी जग्गू? पीके, याद है जब तुमने पहली बार रॉन्ग नंबर्स की बात की थी? तपस्वी जी भगवान को जॉन टेलीफोन लगाता है, वो सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है. मैं उसी वक्त जानती थी कि तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं मिटाया, क्योंकि अगर तुम तपस्वी को फ्रॉड बोलते ना तो लोग त्रिशूल घुसा देते. पीके, लोगों को हमेशा कोई नई बात चाहिए. रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है. और तुम्हारी रॉन्ग नंबर वाली बात उन्हें बहुत यूनिक लगी. आज वो सब तुम्हारे साथ खड़े. ये रॉन्ग नंबर है. पीके, माय प्लान वर्क. समझो तुम्हारा रिमोट मिल गया. अब यार उनका
चले जाओगे यार। कौन? कभी नहीं मिलोगे, बहुत खाली खाली लगेगा यार। आई रियली रियली मिस यू। रुक जाएगा? ऐसे कैसे रुक जाओगे? हम सीरियस हो? नौकरिया है, राशन कार्ड बनवा लेगा, सेटल हो जाएगा यहाँ। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना, जॉन हमारे साथ टाइम भेज करना चाहेगी। नहीं, शादी ब्याह कर लेगा उसके साथ, और का? तुमसे कौन शादी करेगा? का है? तुम्हें इंट्रोड्यूस करने में वाइफ की हालत हो जाएगी। हा? जी मेरे पति से मिलिए, ये पी गए हैं। अरे वो हमारा नाम नहीं है, तू सब हमको ऐसा ही बोलता है, नॉनसेंस। पी गए? हम अपना नाम बदल देगा। तुम कौनो नामों का सजेशन मारो ना जॉन, तुमको अच्छा लगे। देखो नाम और आदमी की जो पर्सनालिटी है बड़ा मैच होनी चाहिए। ये ठीक है, तो हमारी पर्सनालिटी कैसी है? मैं डेमो देती हूँ। काका हाथरसी ने कहा था, नाम रूप के भेद पर। अरे हमका पोएट्री ना चाहिए, हम कुछ और समझा रहे हैं। नाम रूप के भेद पर किया कभी है गौर? कैसे समझाएगा? नाम मिला कुछ और, शक्ल अक्ल कुछ और। अग्नि राजी बिल्कुल ठंडे, शांति भैया चराए डंडे, पूछ न पीछे कुछ भी, नाम फिर भी हनुमान, अर्जुन लाल के घर मिले ना तीर कमान, और फूलचंद जी इतने भारी, दर्शन देते टूट जाए कुर्सी बेचारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारे पास बहुत सारे कार्ड हैं, जेमा अलग अलग नाम है, तुम कौन हो नाम का चॉइस मारो, अंदर देखो कौन सा अच्छा है। तंडू राम ठट्टे सत्यराम। दूसरा दूसरा। तुटारी सिंह सरफराज। क्या हुआ? अंदर देखो ना और अच्छा नाम। क्या हुआ जग्गू? कुछ नहीं। आत्मा
आतंकवादी संस्था ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है, हमारी कौम पर हमला करने वालों का यही हाल होगा, हम अपने खुदा की रक्षा करेंगे। कहाँ जा रहे हो बीके? सो पे। रहने दो, जरूरी नहीं है। बहुत ही जरूरी। एक सवाल और। आप सबका स्वागत है इस बहुत ही खास शो पे, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे। एक मिनट रुकिए। लाइए। ये क्या है? भगवान कहते हैं उनके डमरू का टूटा हुआ मनका, ये कहते हैं इनकी प्रॉपर्टी। भगवान कहते हैं मंदिर बनाओ, और ये कहते हैं मंदिर हटाओ। अब हम किसकी सुने, भगवान की या इनकी, जब पीला हेलमेट पहन के ये पर्चे बांट रहे थे। देखिए देखिए, पहले कहा भगवान लापता है, उसके बाद कहा भगवान फ्रॉड है, कल को ये भी कह सकते हैं भगवान मर गए। बेटा तुम चाहते क्या हो, एक ऐसी दुनिया जहां भगवान हो ही ना। तुम्हें अंदाजा है इंसानों के दुखों का, खाने के लिए रोटी नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, बात करने के लिए दोस्त नहीं है लोगों के पास, रोजाना कितने लोग आत्महत्या करते हैं मालूम है तुम्हें? नसें काट लेते हैं, पंखे से लटक कर मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं है। अगर भगवान के सामने माथा टेकने से, एक टीका लगाने से, हाथ में एक धागा बांधने से उनको जिंदगी जीने की उम्मीद बनती है, तो तुम कौन होते हो उनसे उनकी ये उम्मीद छीनने वाले? और अगर तुम लोगों से उनका भगवान छीन ही लेना चाहते हो, तो यह बताओ कि उसके बदले में तुम उन्हें क्या दोगे? नहीं, हमेशा ये बोलते रहते हैं ना, रॉन्ग नंबर। तो आज हम सबको बताइए यहां पर कि राइट नंबर क्या है। आप बिल्कुल ठीक बोलता है तपस्वी जी। एक टाइम था जब हमारे पास भी खाए के लिए रोटी नहीं थी, रह खातिर घर नहीं था। बहुत ही रोता था क्योंकि कौनो दोस्त भी नहीं था ना। वो वक्त हमारा एक ही सहारा था, भगवान। रोज लगता था कल बेहतर होगा, भगवान कौनो रास्ता निकालेगा। हम मानता हूं कि भगवान में विश्वास रखे से उम्मीद मिलता है, तकलीफ से जूझे खातिर हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है। लेकिन हमारा एक सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? आप लोग बोलता है एक भगवान है, हम बोलते ना ही दो ही भगवान है, एक जॉन हम सबका बनाया और एक जेका तुम लोग बनाए। जॉन हम सबको बनाया उसके बारे में आप कुछ नहीं जानता, लेकिन जेका तुम लोग बनाया वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, छोटा, घूस लेता है, झूठे वादे करता है, अमीरों को जल्दी मिलता है, गरीबों को लेन में खड़ा करता है, तारीफ से खुश होता है, बात बात पे डराता है,
हमारा रेट नंबर बहुत ही सिंपल है। जौन भगवान हम सबका बनाया उस पे विश्वास करो, और जेका तुम लोग बनाया वो डुप्लीकेट गार्ड को हटाई दो। आप हमारे भगवान को हाथ लगाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। बेटा हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है। तुम करेगा रक्षा भगवान का तुम? अरे इतना सा है ये गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा। जाओ नी सारा जहान बना है, उनको तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकता है। आज कौन अपना खुदा का रक्षा करने की कोशिश किया और हमारा दोस्त चला गया, बस ये रहेगा वह उसका जूता। अपने भगवान की रक्षा करना बंद करो, नहीं तो ये गोला पे इंसान नहीं सिर्फ जूता रह जाएगा। एक मुसलमान बम फोड़े और एक हिंदू गुरु यहां बैठकर तुम्हारा लेक्चर सुने। अच्छा कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखाओ। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है, और यही गोला का सबसे डेंजर रॉन्ग नंबर है, सबसे खतरनाक रॉन्ग नंबर। इससे लोग मरता है अलग होता है। यही रॉन्ग नंबर तुम जग्गू का बिरयान में ठोक दिया और अलग कर दिया सरफराज से। रॉन्ग नंबर कौन सा रॉन्ग नंबर? कि सरफराज धोखा देगा, मुसलमान धोखा देता है, कौन बोला था? तो उसने धोखा दिया, इसमें झूठ क्या है? एक मिनट। नहीं नहीं एक मिनट, क्या हो रहा है? एक मिनट देखिए, एक मिनट आप रुकिए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सरफराज को लेकर जो भविष्यवाणी मैंने की थी वो झूठी थी? हाँ यही तो कह रहा हूं। तो साबित करो, साबित करो कि मेरी भविष्यवाणी झूठी थी, और ना साबित कर पाए तो मेरे चरणों में गिरकर यहां माफी मांगो और सबके सामने स्वीकार करो कि तुमने मुझ पर झूठा लांछन लगाया है। और साबित कर दिया तो? पीके नहीं, तो बेटा ये तुम्हारा। शर्त मंजूर है। जरा ये कैमरे जो हैं वो जगत जननी की तरफ घुमाइए। जगत जननी, हम उम्मीद करते हैं आप हमारे सारे सवालों का जवाब सच सच देंगी। बेल्जियम में आपको एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो गया था, सच या झूठ? यहां मेरी पर्सनल लाइफ क्यों डिस्कस हुई जा रही है? शुक्रवार को 3:21 पर हमने भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का आपको धोखा देगा, और अगले दिन आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में गई थी, लेकिन ये लड़का नहीं आया था, सच या झूठ? हाँ वो नहीं आया था। कैन वी प्लीज स्टॉप दिस? आप हमारे चरणों में आएंगे या हम अपने चरण लेकर आपके पास आ जाएं? सर पर हाथ धोखा नहीं दिया था। पीके जाने दो प्लीज। नहीं सबका बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। पीके प्लीज, बस एक बार हमारी खातिर। मैं मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस में थी और चिट्ठी आई। सर फराज लेकर आया था? नहीं, एक बच्चे के हाथ भेजी थी। कौन? नाम लिखा था? नहीं। फिर तुमका कैसे पता कि वो सर फराज की चिट्ठी है? हो सकता है कि वो कौन और लड़की के लिए हो, वहां कौन और लड़की नहीं थी का? एक थी ना जेकरे पास बिल्ली थी, और वो तुमका बिल्ली थमाए दी थी पकड़े खातिर। बच्चा जौन चिट्ठी लेकर आया था तुमका पहचानता था? नहीं। तुम उसका पहचानता था? नहीं। फिर उसका कैसे पता कि चिट्ठी तुमको देना है? हो सकता है वो कब बोला गया हो कि जेकर पास बिल्ली है
वो कोई लेटर दे देना। वो तुमको लेटर दिया, तुम पढ़ा, बाकी तुम सरफराज को फोन भी नहीं किया। किया फोन सरफराज को? क्योंकि तपस्वी जी तुम्हारे बिरेन में रांग नंबर ठोक दिया था कि मुसलमान धोखा देता है। सरफराज तुमका धोखा नहीं दिया था जग्गू। हाँ हो क्या रहा है भाई, ये कुत्ता बिल्ली मतलब आप कोई भी कहानी गढ़ते जाएंगे और हम यहाँ बैठकर सुनते रहेंगे आपकी बातें। एक मिनट, सच क्या है हम इसी शो पे पता कर सकते हैं। जग्गू फोन निकाल, सरफराज को फोन लगा। Come on, जग्गू। और कोई नंबर? फ्रेंड, कॉलेज, समथिंग। Come on, जग्गू। बेल्जियम यूनिवर्सिटी। डायल। Hello. I actually need to get in touch with one of your grad students, Sarfaraz Yusuf. Oh yeah, he left for Pakistan last year. Contact. Has he left a number? I'm sorry, we're not authorized to give out information. Ma'am, this is really important. Email us your request and I can forward it to Student Affairs. Have a nice day, dear. Pakistan ka number, ghar ka number. Think, Jagu, darling. Think. One of part-time job karta. पाकिस्तान एम्बेसी में। पाकिस्तान एम्बेसी में पार्ट टाइम जॉब करता था। मीतू, कॉल द पाकिस्तान एम्बेसी बेल्जियम। कॉपी सर। और यहाँ के स्पीकर्स में डालो। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान एम्बेसी। हेलो, आपके यहाँ एक लाहौर से स्टूडेंट काम करते थे, सरफराज यूसुफ। आपका नाम जग्गू है? हेलो, आपका नाम जग्गू है? हाँ, आपको कैसे पता? अब फोन आ गया जी, वो दिल्ली वाली लड़की का फोन आ गया। फरा, जग्गू का फोन आ गया। सैयद साहब जल्दी आइए, जग्गू का फोन आ गया, इंडिया से फोन आ गया, जल्दी करें, जल्दी जल्दी आइए। मोहतरमा, सरफराज यूसुफ रोजाना सुबह 9 बजे हमें लाहौर से फोन करते हैं और बे इंतहा शराफत के साथ सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि मेरे लिए इंडिया से किसी जग्गू का फोन आया। हम उन्हें ना कह देते हैं और वो फोन रख देते हैं। पागल कर दिया है। आप ठहरे, हम आपकी बात कराते हैं। हेलो जनाब सरफराज यूसुफ जी। सलाम अलैकुम। आप कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं लाहौर से। क्यों इस वक्त आप कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं अपने घर पे हूँ। क्यों? आपके आसपास कोई कुर्सी या बेंच है? अगर है तो प्लीज बैठ जाएं, आपको झटका लगने वाला है, गिर जाएंगे। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। आपके लिए दिल्ली से फोन है। लीजिए, बात कीजिए। हेलो, हेलो सरफराज। जग्गू, हेलो हेलो जग्गू, सब खैरियत तो है? हेलो, तुम आए थे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में? आया था, लेकिन तुम वहां से जा चुके थे। फोन क्यों नहीं किया? कैसे करता? तुम्हारा खत मिला था, उसमें तुमने लिखा था कि मुझे कांटेक्ट मत करना। मुझे पता था कि तुम्हारी फैमिली का बहुत प्रेशर है तुम पे, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जग्गू कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करोगी। बहुत वक्त लगा दिया यार जग्गू फोन करने में। क्या करती? तुम्हारा रॉन्ग नंबर था मेरे पास। एक दोस्त से राइट नंबर मिला।
यू बेटा। की पकड़ा ठीक है। तुम अपने साथ बैटरीज ले जा रहे हो? वहाँ नहीं मिलता ना। पर इतनी सारी बैटरीज का क्या करोगे तुम? इमा जॉन भरी है ना आवाजिया साउंड, वो सुनेगा घर जाके। कैसी आवाजें? तोहार गोला का, चिड़िया का, कौवा का, ट्रैफिक का। तुम वहाँ जाके ट्रैफिक की आवाजें सुनोगे? अब तोहार गोला को मिसिंग करेगा तो सुन लेगा कभी कभी। अरे रुका हो, एक तो रंग है हमारा। पीके जाने दो। अरे जाए कैसे दे? सब बैटरियां हैं उमा। अरे सुना हो? तुम्हारी प्लैनेट में सबके कान से बाहर होते हैं और वहां सब लोग नंगे घूमते हैं। क्या देख रहे हो? कुछ लगा है मेरे गाल पे? पता है मैं ना 10वीं में थी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी पापा के लिए। मैं दिखती हूं माँ जैसी, सब कहते हैं, सब कहते हैं, सच कहते हैं। पोइट्री यानी कम शब्दों में बड़ी बात। यार वैसे तुम ना बड़े क्यूट हो। वन मोर उस दोस्त के लिए जिसने माना अपनी जेब से फकीर है। ना चिड़िया थी ना कौआ ना कोई ट्रैफिक, हर टेप में सिर्फ मेरी ही आवाज थी। मिल गई है। खूब दौड़ाया ससुरे ने। इसमें क्या रिकॉर्ड किया है पीके? बोला ना वो चिड़िया कौवा ट्रैफिक। जब प्रतिया में तुहार गोला ऊपर आएगा ना तो हम रोज ही टेप चलाएगा, हाथ दिखाएगा तुमका वहां से वैसे जोर से। तुम्हारा हाथ दिखा देना कब आऊं टेम मिले तो। इसमें मेरी आवाज नहीं है ना? तुम्हारी अवज्ञा है ना? तुम जाओ ने एक ठो पोइट्री बोली थी वो है ना? सिर्फ एक पोइट्री। अब तुमसे लव थोड़ी करता है जो उन पूरा टाइम तुम पे बेस्ट करेगा। उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा
शायद अपने आंसू छुपा रहा था, कुछ सीख के गया, कुछ सिखा के, झूठ बोलना सीख के गया और सिखा के गया प्यार शब्द का सही मतलब. He loved me enough to let me go. जैसे बच्चे इस दुनिया में आते हैं नंगे, वैसे वो भी यहाँ आया था. जैसे बच्चे बहुत से सवाल पूछते हैं, वैसे वो भी बहुत से सवाल पूछता था. और फिर एक दिन चला गया. हम सबसे कुछ 400 करोड़ मील दूर, जाते जाते मुझे दो खूबसूरत तोहफे दे गया. सरफराज, पापा. जब तक जिंदा रहूंगी हर रात उसके तारे की ओर देखूंगी, वेव करूंगी. शाह वो भी वही करेगा. आई मिस हिम. एक घंटा मां हम अर्थवा पे लैंडिंग मारने वाला है. हम जॉन सिखाया हूं वो भूलना नहीं. सिर्फ 4 पॉइंट है. भन, अर्थवा पे नंगा घूमना मना है. ई किसिंग उसिंग सब नंगा पुंगा वाला काम ई लोग छुप छुपा के बंद दरवाजे के पीछे करता है. बाकी लड़ाई झगड़ा मार पीट वार ई सब ओपन मा अलाउड है. दुई, यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन है भाषा. अगर आप कहीं बाजार मां सुन लो कि आई लव चिकन, आई लव फिश, तो ई का मतबल ई नहीं कि ई लोगन का जानवरन से प्यार है. ई का मतबल हुआ कि आज लंच मा उ मुर्गा या फिश खाने वाला है. ई जो सोचता है और बोलता है ई मा फरक काय है, ई पर हम रिसर्च करेगा. 3, उतरते ही हम लोग डांसिंग कार से कपड़ा चुराएगा. आप सब अपना अपना रिमोटवा डाल देना अंडर बियर मा, एकदम डीप मा डालना ताकि कोनो चुरा न ले ससुरा. हाँ. और 4, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौनो मिले जो बोले कि वो भगवान से तुम्हारा कांटेक्ट करवा सकता है तो भाड़ में गया रिसर्च, यू टर्न मारना और फुल स्पीड में भागना. चला भाई लोग. अरे डरा नहीं, चला चला. ऐसे टुकुर टुकुर का देखा तो है? हमरा इठो सवाल है. का? तुहार लास्ट टाइम यहाँ कितना बार धुलाई हुआ था? ई का? सेल्फ डिफेंस. अच्छा, सेफ्टी. चला चला. अरे वहां कहाँ जाता, यहाँ चला. लुल साला. भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे न चली रे, नई राहें नए नए मोड़, अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त. भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे न चली रे, नई राहें नए नए मोड़, अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त. आया है कहां से वो, क्या ढूंढने वो आया है, एक बूंद भी उसने न पी पर पी के वो कहलाया है. Thank you.
लगता लो फर चोर उचक्का निपट अनाड़ी साइंस का प्रोफेसर ओए 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 कभी लगता है जोकर है वो कभी लगता लो फर और चोर उचक्का निपट अनाड़ी साइंस का प्रोफेसर दुनिया नशे में टल्ली थी ये होश में उसे लाया था ठर्रा दे जो पूरी धरती को वो सवाल उसने उठाया था कैसे भुला